मैं रूपम अग्रवाल अपनी सामाजिक संस्थान नव प्रभात के सभी सम्मानित वरिष्ठ जनों एवं पदाधिकारियों की तरफ से यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों एवं परम आदरणीय हमारे विकास अकादमी महोदय को सादर प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ। अतः मिशन शक्ति कार्यक्रम को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए हम सब लोग जो पीड़िताओं को न्याय दिलवाने का बिना रुके बिना धके जो घर से प्रयास कर रहे हैं, बेशक बहुत ही सराहनीय है, और हम सबके इन संयुक्त प्रयासों से संपूर्ण भारतवर्ष में अपराध मुक्त भारतीय राष्ट्र के निर्माण के लिए हमारी सामाजिक संस्था नव प्रभात झांसी जिला प्रशासन के साथ मिलजुलकर एकजुट होकर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए आकांक्षी है। अतः हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरा ये मानना है कि एक आत्मनिर्भर नारी ही एक स्वावलंबी नारी ही अपने आत्मसम्मान और अपनी आत्म सुरक्षा के लिए जागरूक हो सकती है। इसलिए आज मैं अपने समाज के निचले तबके की महिलाओं के लिए यानी कि निम्न वर्गीय महिलाओं के लिए अपने कुछ विचार हूँ आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे समाज में अधिकांशतः निम्न वर्गीय महिलाओं की स्थिति अत्यधिक उपेक्षित है, दयनीय है। फिर चाहे वो मजदूर वर्ग की महिला हो या फिर किसी कामकाजी वर्ग की महिला हो, क्योंकि इनके पति अधिकांशतः शराबी और ज्वारी होते हैं जो घर में किसी भी तरह की काम करना तो दूं बल्कि मटके से एक गिलास पानी तक लेना खुद पसंद नहीं करते हैं, और बार बार पर अपनी पत्नियों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित करना, उनके साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना जैसे इनकी रोज की दिनचर्या में शामिल हो जाता है। और यहीं पर यदि हम झुग्गी झोपड़ी में जाएं यानी कि मलिन बस्तियों में जाएं तो वहां पर इन महिलाओं की स्थिति और भी ज्यादा दयनीय है और भी ज्यादा विचारणीय, क्योंकि अक्सर इन महिलाओं के पास कन रखने के लिए वस्त्र नहीं होते, पेट भरने के लिए भोजन नहीं होता। ऐसे में जब हमारी संस्था की बहने इन मलिन बस्तियों में पहुंची तो हम लोगों ने जो सबसे ज्यादा नोटिस किया वो ये कि वहां पर स्वच्छता का बहुत भारी अभाव है, जिसके कारण कुपोषण की वजह से महिलाएं और बच्चे और पुरुष यानी कि उनका पूरा परिवार घरों में बीमार होता है। किन किन स्वच्छताओं का किन किन जानकारियों का मतलब ध्यान होना चाहिए कि जिससे हम अपने आप को स्वच्छ रख सकें, और घर के अंदर के साथ साथ घर के आस पास के वातावरण को भी हमें स्वच्छ रखना चाहिए ताकि हम बीमारियों से बच सके और एक स्वस्थ जीवन जी सके। सेकेंड, जब हम लोगों के घर के अंदर थे तब हम लोगों ने देखा जो उन लोगों के दीवारों पे शोपीस लगे हुए थे वो उनके पोथले बने हुए थे। कुछ लड़कियों ने सुंदर मेहंदी हाथों में लगाई रखी थी, कुछ महिलाएं मिट्टी के खिलौने बना रही थी, कुछ यहाँ तक कि उन्होंने अपने कपड़े जो पहन रखे थे वो खुद के सिले हुए पहन रखे थे। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वहां पर लोगों के पास प्रतिभाएं तो है परंतु उन प्रतिभाओं के अनुकूल उनके पास रोजगार नहीं है। हालांकि इसके लिए हमारी भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सी स्वरोजगार केंद्र खोल रखे हैं जिससे इन्हें उनकी प्रतिभाओं के अनुकूल इन्हें रोजगार दिए जाए, परंतु इसमें हमारी संस्था भी छोटा सा एक प्रयास कर रही है, उन्हें उनकी प्रतिभाओं के अनुकूल उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। जैसे कि किसी को सिलाई आती है तो उसे सिलाई में डिप्लोमा कराकर महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे और उन्हें सर्टिफिकेट देंगे जिससे वो अपना सिलाई केंद्र खोल सके और आत्मनिर्भर बन सके। थर्ड, जब हमने उनसे बातचीत की, उनसे उनकी भावनाओं को सुना और समझा, जब मैं अपने अनुभव आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो वहां पर हम लोगों ने पाया कि वो महिलाएं सामाजिक स्तर पे तो शोषित हो ही नहीं है परंतु अपने घर में ही अपने ही पति, अपने ही पिता और अपने ही भाई के साथ चली जा रही हैं। तब हम लोगों ने इन्हें अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए जागरूक किया, जो हमारे संविधान में महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए अधिकार बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं उसके लिए जागरूक किया, और ये भी समझाया कि अपराध करने वाले से ज्यादा अपराध सहने वाला दोषी होता है। जब तक पीड़िता अपने साथ होने वाले अत्याचारों को खिलाफ उकर उकर पुरजोर विरोध नहीं करेगी तब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। हम और आप कितनी भी संस्थाएं उसके साथ लग जाए लेकिन पीड़िता जब तक सामने आकर मुखर होकर खुद अपना बयान नहीं देगी तब तक उसका इसमें जो सबसे ज्यादा जो था कि शिक्षा का अभाव था, जागरूकता नहीं थी महिलाओं में, तो हम लोगों ने उन्हें पूरी कोशिश की कि वो अपने लिए सचेत हो पाए, अपनी वैल्यू को समझ पाए ताकि वह अपने वजूद के हक के लिए लड़ सके। दोस्तों, सोचने वाली बात है
कि कहने के लिए तो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, परंतु बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों में कोई भी कमी नहीं आई है। महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों में कोई भी कमी नहीं आई है। आज भी अधिकांश महिलाएं घरों में चूल्हा चौका करते हुए, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना सहते हुए, दहेज प्रथा का शिकार होते हुए, कन्या भ्रूण हत्या का शिकार होते हुए जैसे तैसे घुटन भरी जिंदगी जीने के लिए विवश है और जो सहन नहीं कर सकती वो आत्महत्या तक कर लेती है। इन सबका जिम्मेदार कुंठित पुरुषवादी सभ्यता, और ये हमारा कुंठित पुरुषवादी समाज तो है ही, परंतु हम महिलाएं भी हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी कोई और सवाल है, ऐसी आशाएं हम दूसरों से करते ही क्यों है। ये हमारी जिंदगी है, इसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ हमारा है। तो आइए हम सब मिलकर अपनी जिंदगी की कहानी स्वयं अपने हाथों से खुद लेते हैं। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ विराम लेना चाहूंगी कि जननी हूँ जीवन भी हूँ, जज्बातों पर मेरा जोर नहीं, सशक्त हूँ साकार हूँ पर नारी हूँ कमजोर नहीं, दर्पण भी हूँ अक्ष भी हूँ, दर्पण भी हूँ अक्ष भी हूँ, जो झुका सके वो सच नहीं, स्वाभिमानी भी हूँ आत्मनिर्भर भी हूँ, पर टूट के बिखरो अब वो वक्त नहीं, साथ चलना हो तो हाथ बढ़ाना, साथ चलना हो तो हाथ बढ़ाना, पीछे हटना मुझे मंजूर नहीं। जय हिंद, जय नारी शक्ति।